हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फर्जी आयकर अधिकारी बन पहुंचे दुकान पर, टैक्स चोरी को लेकर धमकाया, फिर पुलिस के चढ़े हत्थे। रायपुर थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर फर्जी आयकर अधिकारी बनकर व्यापारी से ले गए करीब 2.25 लाख रुपए के मामले को लेकर रायपुर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बर के निकट नाकाबंदी कर 5 जनों को पकड़ा है। दरअसल जैतारण में एक हार्डवेयर व्यापारी की दुकान पर 5 जने पहुंचे, जहां पर स्वयं को आयकर अधिकारी बताते हुए हार्डवेयर व्यापारी रविंद्र पुत्र मनोज कुमार कुमावत की दुकान का सामान का स्टॉक सहित कई जानकारी ली तथा टैक्स चोरी की बात बताते हुए उसे डराया धमकाया और गले में रखे करीब 2.25 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। जिसके बाद दुकान को फर्जी आयकर अधिकारी होने का शक होने पर उसने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी करवाई। इसके बाद रायपुर थाना अधिकारी मनोज राणा ने बर के निकट नाकाबंदी कर 5 जनों को कार सहित पकड़ा। पुलिस पूछताछ कर रही थी। कल दिनांक 17/3/2021 को हमारे जितारण में जो मेरदा चौराहे है वहाँ पर ही रविंदर सिंह कुमावत है, जिसके हार्डवेयर की दुकान है, वहाँ पर एक स्विफ्ट डिजायर कार में, जिसके आगे भारत सरकार लिखा हुआ था और पीछे भी ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट लिखा हुआ था, उसमें से 5 व्यक्ति आए और उन्होंने अपने आप को इनकम टैक्स के अधिकारी बताया और जो दुकान का मालिक था उससे इनकम टैक्स के दस्तावेज के बारे में जानकारी की और उसी के लिए उन्होंने वहाँ छानबीन की और उस व्यक्ति को इनकम टैक्स नहीं भरने के बहाने डरा धमका कर उससे 2,75,000 रुपये लेकर चले गए। अभी 151 में उनको लिया है, जिसमें एक रोहित मीणा है, दूसरा हरिकृष्ण है, तीसरा अजय राज सिंह, चौथा धीरज और पांचवा श्रवण, ये जयपुर के रहने वाले हैं और उसमें एक व्यक्ति जोधपुर का रहने वाला भी है। जागरूक टीवी के लिए पाली से दिनेश चौहान की रिपोर्ट।